तो भाई एक अमर प्रेम की प्रेम कहानी नाम की एक मूवी आ रही है, एक कॉमेडी मूवी होने वाली है जो कि जियो सिनेमा पे डायरेक्ट आएगी। उसका ट्रेलर आ गया है और देख लेते हैं, साथ में रिएक्ट कर लेते हैं। सनी कौशल, अब तो सनी सिंह अपने को इसमें लीड में देखने को मिलने वाले हैं, जो आदि पुरुष और सोनू की टीटू की स्वीटी में अपने को देखने को मिले थे। अब कैसा है ट्रेलर भाई देख लेते हैं, फिर उसके बाद अपन इस पर बात कर लेते हैं। 1 2 3 हाय, आई एम अमरजोत मेहनास। वेलकम टू माय वेडिंग स्टोरी। ओके ये तब से शुरू है जब मैं 18 साल का था। कॉलेज की हर लड़की के सपनों में मेरी एंट्री होती थी। फ्रेंड जोन कर देता यार। देखती हूँ कब तक। देखना नंदनी समीर के पास नहीं जाएगी। पागल है क्या, समीर तो बस नंदनी का है। लड़कियां मेरी सिर्फ दोस्त बन सकती थी, मुझे तो किसी और का बनना था। लंदन आया और बकिंगम पैलेस। इस गे? ओए होए मेरे शेर। अरे इतना सोचेगा तो जिएगा कब? गर्लफ्रेंड तो मेरी हो ही नहीं सकती, और बॉयफ्रेंड में किसी का एक रात से ज्यादा बनता नहीं। तू मेरे टाइप का है। शक्ल से ही लांछा लगता है। बचपन से हर कहानी, हर किस्सा, हर फिल्म एक लड़के और लड़की की होती थी। सारा जग छड़ के मैं होते ये पोस्टर मेरी उम्मीद है कि कहीं तो एक कहानी होगी जहाँ जगह दो लड़कों की हो। I love it. I love that idiot, Elena. Hello? हाँ जी? यही मेरी असलियत है। बट मैं उसके बिना जी नहीं सकता। निकल दो इस घर से। मैंने ना अमर और प्रेम को एक कर देना। कोई प्रॉब्लम? प्रॉब्लम से भागने मेरी पुरानी आदत। इतनी सीधी तू है नहीं। निकल लौंडे आजा तुम के गिरा दे और चार ठुम के लगा दे। आजा चुम के गिरा दे चार ठुम के लगा दे। आज कोई नहीं न जान तो बच दे। किसी और दा नहीं हो सकता। मैं ये लड़की मुझे ठीक नहीं लगती। अमर ये भोली है यार। तो बेटा तू इस गांव से खाली हाथ ही जाएगा। बेटा तुम लोग इंटरस्टेट खेल रहे हो, वो भी दोनों बॉयज टीम। भाई मैं तुम्हें बता दूं एक चीज, ये उतना वाइल्ड नहीं जा सकते जितना कि आयुष्मान खुराना की एक मूवी आई थी शुभ मंगल ज्यादा सावधान नाम की, अगर तुमने देख रखी होगी। मैं भी देख रखी होगी क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी, एक अच्छी कॉमिक टाइमिंग के साथ आ रही थी। और इसका ट्रेलर देख के वो वाइब आ नहीं रही है भाई, बिल्कुल नहीं आ रही है। ठीक है, वो एक नेक्स्ट लेवल मूवी चली गई थी भाई साहब। सोचो ना, उसमें तेरे को ट्रेलर में ही दिखा दिया गया था कि आयुष्मान खुराना और जो अपने जीतू भैया जितेंद्र किसिंग सीन दिखा दिया था भाई, वो इतने ज़्यादा वाइल्ड चले गए थे। अब ये उतने ज़्यादा वाइल्ड जा नहीं सकते और कॉमिक टाइमिंग इनकी अच्छी लग नहीं रही है और स्टोरी भी एवं लग रही है। तुम बताओ तुम्हें कैसा लगा ट्रेलर, जैसा भी मुझे कमेंट बताओ। वीडियो को लाइक करो।